ये क्या हुआ? खोलो, जल्दी खोलो, चलो आगे बढ़ना है हमें, चलो चलो चलो। ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं, वो मेरा शिकार है। हम एक ही तरफ हैं, उनका पीछा करते रहो, चलो आगे बढ़ो। बेटी बो, अगर तुमने नहीं रोका होता तो मैं उन्हें पकड़ लेती। मजाक है, तुम्हारे बस की नहीं। ठीक है, बहस करना बंद करो, चिंता मत करो, वो दूर नहीं जाएंगे। आधा महीना बीत गया लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। कौन है? मैं हूँ। तुम नौकर करके क्यों नहीं आते? मैंने अभी मूली और मटन का सूप बनाया है। क्या कहा, सूप? हाँ, ये जिगर त्वचा के लिए अच्छा है और खून की सफाई करता है। हाँ, लो खाओ। अजीब से खुशबू है। ये हर्बल मटन सूप है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप सब्जी बेचने वाले हैं या जड़ी बूटी? ये देखो सरा, कितना टाइम हो गया है, यहाँ कोई मेहमान नहीं आया और आप होके एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। नहीं नहीं, खाली समय पर तुम ही तो कहती हो कि खाने का टेस्ट कराते रहो। अब बस भी करो, उसके बारे में सब सोचो, सुनाओ मत। अगर रात होने से पहले कोई मेहमान नहीं आया, आपको खाना नहीं मिलने वाला। बेवकूफ लड़की। क्या करूं, बोलना बहुत आसान है, मैं लोगों को कैसे लेकर आऊं? क्या करूं मैं, चलो भी। डोंग, अब क्या, इन दिनों कोई मेहमान भी नहीं आया है, अब नहीं चाहिए मुझे ये। कुछ खाना है तो दो, वरना भूल जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करने वाला, पर मैडम। डोंग, रुको रुको, यहां मत छोड़ो। हाँ, मेरे साथ आओ, ये लो चख लो। टॉनिक है, कमाल की चीज है, मस्त। मुझे बस पेट भरना है, कुछ भी चलेगा। अरे तो फिर खा लो। मैं सोच रहा हूँ 10 विशेष व्यंजनों का पता लगाने के लिए, फिर मैं उसे शहर लेकर जाऊंगा और वहाँ एक बड़ा ढाबा खोलूंगा। डोपिंग प्रांत कैसा रहेगा? मैं उसके साथ रहूंगा। डोंगपिंग पर विद्रोहियों का कब्जा है। महान राजा सुंग कमजोर हैं, अभी कुछ ही समय हुआ है और आधा देश हाथ से निकल गया। वहां युद्ध का माहौल है,
हर जगह ऐसा ही है। मैं तो एक बावर्ची हूँ, मैं खाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इसकी चिंता नहीं है। कहते हैं कि प्यार वक्त के साथ बढ़ता है, लेकिन मालकिन मुझे भी अभी पसंद क्यों नहीं करती हैं? जल्दी दरवाजा बंद करो। सुनिए, जल्दी आइए, मेहमान आया है। हाँ, नीचे। अरे, अरे, अरे श्रीमान, श्रीमान, आप खाना चाहते हैं? ये रुकना चाहते हैं? आइए। मैं आपको लेनियान तक नहीं ले जा सका। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मुझे दे दो। मैं आपको परेशान नहीं कर सकता महाराज। इनकी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा बंद करने की? अरे यहाँ इतना खून कैसे आया? यहाँ तो हर जगह खून ही खून है। आपके पास दवाई है, मदद कीजिए। चोट लगी है तो वैद्य के पास जाओ ना, जो ढाबा है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, आप वैद्य के पास जाओ। रुको, क्या तुमने किसी जख्मी बूढ़े को और उसके साथ एक लड़की को देखा? चलो चलो। देखिए, पहले दरवाजा बंद कीजिए, हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। ओह, क्या प्यार रुकना चाहते? ठीक है, एक बार ठीक से देख लीजिए। एक टेबल के 260 सिक्के लगेंगे और यहाँ पर 8 है, ठीक है? मालकिन, क्या है, आपको अमीर लग रहे हैं? पैसा नहीं है तो भगा दो इन्हें। तुम चलो निकलो यहाँ से। देखिए देखिए, कृपया हमारी मदद कीजिए। अरे डोंग, तुम क्या कर रहे हो? डोंग, डोंगी, मालकिन ने दरवाजा खोलने के लिए बोला था। छुप जाओ, छुप जाओ। अबे बुड्ढे, बाहर आकर लड़। बाहर जाकर लड़ो, मेरे दुकान को बर्बाद मत करो इस तरह। अरे हाँ, उसके दुकान को बर्बाद मत करो, मेरी बात सुनो। डोंग चल क्या रहा है? तीरंदाज, रुको। महाराज को जिंदा चाहिए, अगर राजकुमारी मर गई तो महाराज को कैसे समझाएंगे? जाओ, छुप जाइए। तुम क्या कर रहे हो? वो तलवार और भाले असली है। तुम्हारा चाकू कहाँ है? ये रसोई का चाकू है। किसी काम का नहीं है। रुको, बूढ़ा किन्नर घायल है, कोई जरूर उनकी मदद कर रहा होगा, उन्हें बाहर निकालो। अरे ये क्या, मेरी दुकान, मेरी दुकान बर्बाद हो गई। अगर हमारी बाहर निकलने में मदद करोगी तो इनाम मिलेगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। याद है वो सुरंग? ठीक है, महाशय अंदर कोई नहीं है।
एक घायल किन्नर के साथ ज्यादा दूर भाग नहीं सकते। बकवास, इसे जला के राख कर दो। डोंग, डोंग, क्या वो चले गए? हाँ, 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 वो जा चुके हैं। चलो यहाँ से अब, और उनको भी साथ में लेकर आओ। हम वापस नहीं जा सकते। दुकान जल कर राख हो गई। हाँ? राख हो गई? दुकान जल कर राख हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ? अरे मालकिन संभालो। मेरी दुकान। मालकिन अपनी आवाज धीमी करो, नहीं तो वो लोग दोबारा वापस आ जाएंगे। सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे मेहमान के लिए दरवाजा खोलने को कहा था। मेरे लिए ये तो पागल ले आए। आपने उनका सत्कार करने के लिए कहा था ना। देखिए मोहतरमा, शांत हो जाइए। मैं आपको आपके नुकसान का दुगना मुआवजा दूंगा। दोस्त, मैं तुमसे बस एक एहसान मांग सकता हूं, हम सभी को वापस लियान तक छोड़ दो। लियान यहां से बहुत दूर है। सही बात है, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। यदि आप हमें सुरक्षित लियान तक पहुंचा देंगे तो मैं आपको 100 किलो तक सोना दे सकता हूं। 100 किलो? मालकिन, क्या मैंने सही सुना? मैं आपको वहां ले जाऊंगा। आप ले जाएंगे? डोंगी, तुम पागल हो क्या? तुम लड़ सकते हो, तुम हीरो हो, क्या तुम इतने लोगों को हरा सकते हो? बिना मदद के वो मर जाएंगे। चलते हैं। हाँ चले चले। अरे रुकिए सारा, जो आपने कहा सौदा पक्का है ना? जबान का पक्का हूँ। अरे मौके का फायदा उठाना चाहिए था ना। 100 किलो सोना, मैं सोना लेने जा रही हूँ। यकीन दिलाने के लिए मैं पैसा लेने जा रहा हूँ। किंग फेंग शहर से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में है और नहर अंजी प्रांत से 9 किलोमीटर दूर है और वो सुंकी के बीच की सीमा है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी जो मेरा रास्ता रोकेंगे। आप भले ही कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप यहाँ पे जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बस करो, ज्ञान हैंग ध्यान दो। जी मिस नलन, यही है महाराज जो के आदेश से उन्हें पकड़ने में हमारी मदद करने के लिए। महाशय थोड़ा चाय पीजिए। मुझे उस जगह का नक्शा बता अभी। मालकिन, अगर मैंने आपको डोंकी गाड़ी लेने का विचार नहीं दिया होता तो आपको लियान तक पैदल जाना पड़ता और आपके पैरों में छाले पड़ जाते। अपनी बकवास बंद करो, मैंने अपने जोड़े पिन का इस्तेमाल किया है इसके लिए। इस गधा गाड़ी को लेने के लिए मेरी राय में आपको एक आदमी ढूंढना चाहिए। बस करो, मैं एक सराय की मालकिन हूँ, कोई मुझे एक जोड़े पिन से कैसे पा सकता है। ये रास्ते खतरों से भरे हैं, आपको हमारा पीछा नहीं करना चाहिए था। वो लोग शैतान से कम नहीं है, उन्होंने मेरी दुकान जला दी। अगर नहीं भागती तो मैं भी मारी जाती। सही। ए, याद है ना, तुम्हें हमें 100 किलो सोना देना है। 1 ग्राम भी कम नहीं। बिल्कुल। मालकिन आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। ये खतरनाक भले हैं, मैं रक्षा करूँगा। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती कायर कहीं के। हैं? अरे कम से कम मेरे पास ये पुश्तैनी कीमती चाकू तो है।
अरे अरे छोड़ दो। क्या कहा, चाकू वो किसी काम का नहीं है। उतरो और फिर पैदल चलो। महाशय, हम 13 किलोमीटर से लगातार चल रहे हैं। उनके साथ घायल लोग हैं, वो गाड़ी पे हैं, कहीं दूर ना निकल गए हों। जल्दी क्या है, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पीछा करो। कितनी भूख लगी है बेचारी को। खाओ खाओ, इस खाने के बाद पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। वैसे हम काफी दूर आ चुके हैं, अब हम पकड़े नहीं जा सकते ना। अरे वो तुमसे पूछ रही है, बताओ ना कुछ। हाँ हाँ दक्षिण में तो सिर्फ पहाड़ और जंगल है, उनके घोड़े हमें नहीं पकड़ पाएंगे। मालिक, हाँ क्या आपके पास रस्सियाँ हैं? रुको रुको, हमारे पास एक गाड़ी है। मालकिन संभल के, आपको पहाड़ी सड़क पर ले जाना है। तुमने मालकिन को इतना थका दिया है। अरे लोग पीछे ही है, जल्दी चलो। अरे भागो, जल्दी चलो चलो। अरे भागो, जल्दी करो। निकलो, मैं इनको समझता हूँ। महारानी, मुझे शाही परिवार की सुरक्षा के लिए कुर्बानी देने में कोई कम नहीं होगा। हमें साथ चलना होगा। जल्दी चलो आप लोग। महाराज सिंह, चलो 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 यहाँ से, चलो। अरे चलो। महाराज जेंग, आप किसकी तलाश कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो। अरे आओ, ध्यान से ध्यान से। अरे मालकिन,
ध्यान से। पलकिन, दक्षिण की तरफ जाओ। चलो। संभल के, दक्षिण की तरफ जाना है। आज लगता है हम लोग गए मर जाएंगे। अरे मैं तो बचपन से ऐसा आई हूँ। चुप रहो तुम, ये बहुत सही काम कर रहा है, समझे? इसे उठाने में मेरी मदद करो। आजो, आराम से। मुझे कसकर पकड़ो, मेरे पीछे आओ। रहना चाहते हो तो आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पागल हो क्या? जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, कैसे आऊं, मैं मर जाऊंगा। अरे संभल के। अरे तुम सब, जल्दी करो। भगवान बचाना, कहीं मर न जाऊं। संभल कर। युकाय, क्या तुम ठीक हो? अरे मर गया रे। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। राजकुमारी को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? हम उसके जाल में फंस गए हैं। वो शिकारी इस अंधी गली में हमसे छुटकारा पाना चाहता था। क्या बकवास है। महाशय, ये दुष्ट आपकी इज्जत भी नहीं करना जानती। वो महाराज जो की पसंदीदा जो है। मालकिन, क्या मेरी जड़ी बूटी काम कर रही है? अब खून बहना बंद हो गया। हाँ। ये कहाँ मिली तुम्हें? हाँ? डोंग ने इसे नदी से पकड़ा था।
हमें शांत जिंदगी जीने की आदत है। जब से वो मिली है हम बस भाग ही रहे हैं। सर्वोच्च अधिकारी, मैं इससे पहले कभी किसी रानी से नहीं मिला था, लेकिन ये जंगल में कोई है, चलो जल्दी करो, मेरी पीठ। आराम से। मुझे राजकुमारी चाहिए। थक के हार गई ना तुम? क्या कहा तुमने? मुझे पता था तुम्हारी औकात नहीं है। वो भाग गए। मिस नलन, आप निराश होकर उसकी तरह मत बनिए। हमारा मकसद राजकुमारी को पकड़ना है। वो बुरी तरह से घायल है, वो जरूर वैद्य के पास जाएगी। आसपास के गांव और शहर में ढूंढो उसे। जाओ। ने कहा था, स्वर्ग को दोष मत दो, इस गांव में क्या खराबी है? दूसरों को दोष मत दो, संस्कार और संगीत सीखो। यहाँ कोई नहीं है, केवल स्वर्ग ही मुझे जानता है। हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण सुनो जरा। यहाँ कोई वैद्य है? अब वो कैसी है? चिंता मत करो, वो घायल होने के बावजूद लगातार यात्रा कर रही थी, जिसकी वजह से उसे टाइफाइड हो गया है, इसीलिए तेज बुखार है। टाइफाइड? अब क्या करेंगे? मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, इन्हें वो ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब किसी को मत मारना, किसी को मत मारना। मालकिन ये कैसी है? अभी इन्हें जड़ी बूटी दी है। मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, मैं हमेशा याद रखूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, डोंग ली यू ने विद्रोह कर दिया था और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। यहाँ विद्रोही आए थे, अधिकांश ग्रामीण भाग गए, ये गांव रातों रात वीरान हो गया। तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? मुझे जीवन का बोध है और मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। उत्तर के अधिकारीगण भी भाग गए या बिना लड़ाई किए हथियार नीचे डाल दिए? हाँ, ये अफसोस की बात है। महान सॉन्ग के पास जेंग जूंग जैसा कोई हीरो नहीं था। अच्छा, जेंग जूंग कौन है? महानायक जिन्होंने एनशी के विद्रोह में सुयंग की रक्षा की। बहुत खूब। अभी हमने अंजी प्रांत को खो दिया, आपको लियान जाना है तो नहर पार करके जाना होगा। मुझे लगता है चैंगयांग देश अभी भी हमारा है, हम लिंग्यांदु वाली नहर पार करके चैंगयांग जा सकते हैं। डोंग, तुम कोई मामूली शिकारी नहीं हो, वो घायल लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं लगती। आप विद्वान हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं मिलिट्री सुपरवाइजर था डोंगपिंग प्रांत का। मिलिट्री सुपरवाइजर? अरे मेरी जान, थोड़ी जल्दी तो आ जाओ। अरे परेशान मत करो, कहाँ जा रही हो? कितनी खूबसूरत हो तुम। महाराज, अरे मेरी नहीं, महाराज हो तुम। सुपरवाइजर डोंग, अंदर आ जाओ। महाराज, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाते हो? जाओ जाओ जाओ, हमें साथ बैठ के पीना है। मुझे मिलिट्री अफेयर से निपटने की जरूरत है, मैं अभी नहीं पी सकता। मिलिट्री अफेयर्स? डोंग, तुमने मेरे बारे में सेनापति से कहा है ना? मुझे इसके बारे में पता चल चुका है। आपको इसके बारे में पता चल चुका है, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? डोंग, तुम जानते हो कि मैं हर महीने 3000 चांदी के सिक्के देता हूं कमांडर को, तो फिर ये कमांडर तुम्हारी इन बातों पे कैसे भरोसा कर सकता है? चौबीन, आप महान सूंग के महान सैनिक हो, आपको हमारे देश को बचाना होगा। लेकिन हम सैनिकों के पैसों का एक एक हिस्सा अपने जेब में रख लेते हैं और लोगों का शिकार करते हैं। आप कोई लुटेरे से कम नहीं, कई सैनिक आपकी गर्दन काटना चाहते हैं। इसे पकड़ लो। हम महान सूंग के सैनिक हैं, मैं अपने साथियों को नहीं मारता। डोंगे, तुम जल्दी ही मरने वाले हो, फिर भी इतनी जिद है? अरे, पिछली बार तुमने मुझे बचाया था, तभी मैं चाओबिन के कब्जे में बुरी तरह से फंस गया था। सिविल ऑफिसर को पैसे से प्यार है, मिलिट्री ऑफिसर को मौत से डर है। दिक्कतों का बोलबाला है चारों तरफ, वरना इतनी परेशानियां नहीं होती। खैर, ये सब छोड़ो, लो ये पियो, पियो। चीयर्स।
होगा। इस चित्र में जो महिला है उसको कहीं देखा है आपने? मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैंने इस महिला को कहीं नहीं देखा है। आप कृपया कहीं और ढूंढें इनको। ओह, तो यहाँ क्या चल रहा था? हाँ, क्या आपके पास मेहमान आए थे क्या? जी हाँ, यहाँ कुछ मेहमान आए थे जिनके साथ हमने बैठ के बातचीत की। सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा। महाशय, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि हम उनके साथ पी सकें? हाँ, दरअसल महाशय वो बहुत दूर निकल चुके हैं। महाशय ये देखिए। विद्वान तो झूठ नहीं बोलते हैं। आप तो कोई राज के अधिकारी हैं और मैं महान संघ का विद्वान हूँ। ये महान की जागीर है जो तुमको महान बनाता है, एक महान नागरिक। तुम विद्वान हो फिर इतने जिद्दी क्यों? आप जानते हैं कि मैं एक विद्वान हूँ, फिर भी क्यों जबरदस्ती सवाल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप चाहते हैं। क्या वो पैसा है या पद? बोलो, बताओ ना। सम्मानित व्यक्ति जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। मरना चाहते हो, ये आसान है, लेकिन आपकी खोपड़ी में ज्ञान भरा हुआ है। मैं जीना चाहता हूं और मुझे हक भी चाहिए, हक भी। यदि मैं उन दोनों को नहीं रख सकता तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मैं सदैव ही सत्य को चाहूंगा। आप महान संघ के अधिकारी थे पर अब तुम लोग विद्रोही हो। क्या आप जानते हैं परोपकार और धार्मिकता क्या है? परोपकार, धार्मिकता, ईमानदारी, ज्ञान और विश्वास आधारभूत चीजें हैं। तुम बहुत बड़े कमीने हो गए, तुम्हें बस अपने पद की पड़ी है। क्या तुमने कभी भी करुणा दिखाई है? मार दो। हम आपसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और तुम अपनी मौत बुला रहे हो। ये विद्रोही और कायर हैं, ये विद्वानों को भी मारते हैं। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसे नीचे कर दीजिए। नीचे कर दो उसे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और लोग मरे। नहीं, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। उन बदमाशों ने उन्हें मार डाला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, चाकू नीचे रख दो। मेरी बात सुनो, हम पर विश्वास करो, हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे। अरे मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत मेरी वजह से हो, नीचे रख दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम मरो। तुमने शुरू से ही देखा होगा हम जिंदगी और मौत से बस जूझ कर निकल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, आपके कारण ही मालकिन की दुकान जलकर राख हो गई और हमने आपको यहाँ लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है, लेकिन बस करो राजकुमारी। मिस्टर वॉन्ग ने मरने से पहले हमें बताया कि धार्मिकता क्या होती है, हमें कैसे जीना चाहिए। महारानी, मिस्टर वैंग के मरने से पहले हमें बताइए कि धार्मिकता क्या होती है और एक सज्जन को कैसे जीना चाहिए। अब उसे यहीं पर दफनाया गया है, अगर तुम खुद को मारती हो तो यकीन मानो इनकी मौत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये सही है राजकुमारी। हाँ,
क्यों? मेरा जन्म एक शाही परिवार में क्यों हुआ? अच्छा ये बताइए, वो आपके पीछे क्यों पड़े थे? वो चाहता है मैं किसी से शादी करूं। महाराज जाइंग ने कहा कई विद्वान और अधिकारी लियो का समर्थन नहीं करते, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं ताकि वो दिखा सके कि सत्ता पे उसका हक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया लेकिन वास्तव में उसके पास बुद्धि नहीं है। मिस्टर वोंग ने आत्मसमर्पण के बजाय हमारे लिए मरना पसंद किया, तो हम क्यों डर रहे हैं? ठीक है युकाई, मैं मिस्टर वेंग जैसे लोगों को परेशान करता हूँ। मैं महारानी को लियान पहुँचा के रहूंगा। हम अंजी प्रांत होकर अब नहीं जा सकते हैं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, पहाड़ से चढ़ के ही हम चैंगयांग पहुंचेंगे। महाशय, अंजी प्रांत दक्षिण में है और वो हमारा गढ़ भी है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। इस पहाड़ को चढ़ने के बाद वो दो दिनों में चैंगयांग साम्राज्य पहुंच जाएंगे। वहां उन्हें लिंगयांडू स्तंभ मिलेगा और वही सीमा है। हमें राजकुमारी के जहाज पर चढ़ने से पहले उसे पकड़ना होगा। चलो चलो। तो आखिरकार हम महान सुंग के क्षेत्र में आ ही गए और सुरक्षित भी हैं। डोंग, ये क्या चल रहा है? अंजी प्राण को खोने के बाद हमारे सैनिकों की हालत बेहद कमजोर हो गई। चैंगयांग अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। महाशय, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि काउंटी सरकार कहाँ है? मजिस्ट्रेट एक नाव लेकर भाग गया है। जनरल बाओ अभी चैंगयांग काउंटी के इंचार्ज हैं। महाराज महाराज महाराज, एक काम है। वो मेरे कोठे की लड़कियों को लाली और पाउडर लेने के लिए पैसे चाहिए। क्या आप हमें इसके लिए कुछ पैसे दे सकते हैं? महाराज, लाली और पाउडर। लाली और पाउडर? महाराज, काउंटी पुल के पास पानी का खतरा बढ़ गया है। समझ गया, तुमने सुना क्या? चैंगयांग काउंटी पुल के पास पानी का खतरा है। यदि तुम मरना चाहती हो तो शहर के बाहर चले जाओ। चलो चल। क्या खराब हो गया? तुम लोग कौन हो भाई? अनजान लग रहे हो, उत्तर से भाग के आए हो क्या? हम उत्तर से आए हुए हैं। शिकारी के पास कैदी बो कैसे हो सकता है? तुम लोग जरूर जासूस हो, सिपाही हो। जी। बंदी बना लो इनको। जी। सुनिए महाराज, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम लोग तो बहुत अच्छे। महामहिम, मैं एक शिकारी हूँ। ये जो केडी बो है वो एक सैनिक के थे। जब मैं शिकार करने गया तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया। राज्य में विद्रोह फैल गया, हमें अभी दक्षिण में शरण लेना होगा। कृपया रहम कीजिए। अच्छा, और तुम कौन हो? मेरा नाम जिंग सुंग है।
मेरा एक सराय था, लेकिन मेरे सराय को उन लोगों ने जला दिया। हाँ, ये आदमी, ये मेरा भाई है। जंग युकाई। और ये मेरी छोटी बहन। महामहिम, ये मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं, इसीलिए हम एक साथ दक्षिण जाना चाहते हैं। तुम दक्षिण जाना चाहते हो? चांगयांग काउंटी के दक्षिण में लिंगयांदू में नाव मिलेगी, लेकिन इस बैज के बिना तुम्हें नाव पे कोई नहीं चढ़ने देगा। मिस जियांग, आप कितनी नसीब वाली हैं कि आज आपकी मुलाकात मुझसे हो गई। सही कहा, हमारा मिलना तय था। ये हमारा भाग्य है कि आप हमसे मिले। सच में क्या? पेंग चेंग। हाँ। इनके लिए एक सराय ढूंढ के रखो। ठीक है। साथियों, चलते हैं। महाशय, सोंग की आर्मी चांगयांग काउंटी के अंदर ही आकर छुपी है। आप डर रहे हैं तो वापस जाकर सूचित कीजिए। आगे का माहौल भले ही खतरनाक हो, हमें आगे जाना ही होगा। वो महान संघ के सेना है, हमें उन्हें युहान की पहचान बतानी होगी। ये राजकुमारी है, उन्हें हमारी बात सुननी ही होगी। आपने मुझे क्यों रोका? हाँ, हम बाओकुन से कह सकते हैं कि वो हमें जाने दे। कैसे साबित करें कि ये राजकुमारी है? और बाओकुन पर भरोसा नहीं है। अगर दुश्मन आ गए तो इतनी छोटी सेना अपना बचाव नहीं कर पाएगी। अगर बाओकुन इसे आत्मसमर्पण कराने के लिए ले आता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतनी छोटी सेना अपना बचाव नहीं कर पाएगी, कुछ भी हो जाए। मैंने डोंगपिंग प्रांत छोड़ दिया क्योंकि मेरे सुपरवाइजर करप्ट थे। बाओकुन पैसों का लालची है और बहुत ही कामुक इंसान है। बिल्कुल, अगर ये सेनापति भ्रष्ट नहीं होते तो कि राज्य ने विरोध का हिम्मत नहीं किया होता। जिस तरह से उस आदमी ने अभी आपको देखा, वो बहुत ही कामुक था। वो जरूर कोई बुरा आदमी होगा। वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी भला की खूबसूरत। ठीक है लड़की, लेकिन ये बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? क्या कहती? वेटर, क्या तुम मेरा पति बनना चाहते हो? आईने में शक्ल देख लो जरा। वैसे बाओकुन आपसे कुछ चाहता है। तुमने सही कहा, फिर क्या करें? नदी के किनारे पर जाओ, नाव पर चढ़ने की कोशिश करो। रास्ते से हट जाओ, दरवाजे पर मत खड़े रहो। सिपाहियों,
सावधान, हथियार डालो। रुको, जनरल मैं लिंग फेंग हूं। हम सब के सब व्यापारी हैं। युद्ध हो रहा है इसलिए हमारे पास आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार हैं। जनरल क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? हाँ? हम आपको ये देना चाहते हैं, कृपया स्वीकार करें। क्या आप लोग दक्षिण की तरफ जा रहे हैं? हाँ। ये आसान नहीं है। सेनाओं के द्वारा सभी जहाजों की मांग की गई है। हम यहाँ नए हैं, हम आप पर भरोसा करेंगे। मुझे थोड़ा सोचने दो, कोशिश करूंगा। तुम कल जहाज पे चढ़ जाना और दक्षिण निकल जाना। धन्यवाद जनरल, जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। जाओ। चलो। हथियार रख लो। कहाँ जा रही है तुम? थोड़ी देर तो और रुक जाओ। महामहिम, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो। जल्दी ही यहाँ अंधेरा होने वाला है। यदि आप अभी नौका पर जाते हैं तो भी मेरे बैच के बिना आप नाव पे नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों मिस जियांग, सही बोला ना? आप नियमों के बारे में विस्तार से बताएं। ये इस पर निर्भर करता है कि मिस जियांग ईमानदार है या नहीं। सिपाही। हाँ महाराज। मुझे एक बढ़िया कमरा दो। हाँ महाराज, चलिए ना आप। तो आप भी नदी पार करना चाहते हैं? ओह, हम भी उधर ही जा रहे हैं, उधर ही। देखो, ये लोग हमारा शिकार कर सकते हैं। ये लोग अब यहां पर है, हम भरोसा नहीं कर सकते उन पर। वो क्या करने वाले हैं? वो हमें मार डालेंगे क्या? क्या? बाओकोन यहाँ पर है, वो ऐसे हिम्मत नहीं करते। हर जगह खतरा ही खतरा है। अब मैं क्या करूं? महाराज लिंग, मैंने खबर भेज दी है, आज रात तक मदद पहुंच जाएगी। महाशय, क्या होगा अगर मदद ना पहुंची और वो कल सुबह सुबह यहां से निकलने में कामयाब रहे? राजकुमारी इसी सराय में है, हमें अपना काम जल्द ही करना पड़ेगा। महामहिम, आप विद्रोही से कैसे निपटेंगे अंजी प्रांत में? महामहिम, तुमने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी, और कुछ लोगों को जाकर के जानकारी लेने के लिए भेज दो। ठीक है महामहिम, हम दुश्मनों का सामना करेंगे। पहले मिलिट्री अफेयर्स को ध्यान से रखना। महाराज। मिस जियांग। महामहिम, परेशान मत करो, आगे बढ़ो अब तुम, चलो निकलो। मिस जियांग, एकदम सही समय पे आई आप, आइए बैठिए ना यहाँ पर। मैंने आपकी सलाह को मानना बेहतर समझा। आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए धन्यवाद, वो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मिस जियांग, एक बात बताइए। दक्षिण में अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं? आपसे एक काम था, मेरा भाई और मेरी बहन जल्दी से नाव पर बैठना चाहते हैं। मेरी बहन अभी सिर्फ 15 साल की है और वो बहुत उत्सुक है, वो बस चाहती है कि। सच कहूँ तो इन नौकाओं से सभी सैनिकों को भी नहीं ले जा सकते हैं, तो आप लोगों की तो बात ही अलग है।
हाँ वो मिस जियांग, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। शुक्रिया महाराज, सुनिश्चित करें कि हम सब यहाँ पर स्वस्थ और सुरक्षित रहें। आपके पैसे लौटा दूंगी। ओ, क्या आप सच में ऐसा करेंगे? मिस जियांग, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। आप इन बालों को बांधिए मत, अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं ये ऐसे बंधे हुए, इन्हें खोल के रखा करो। अरे छोटी बहन तुम्हारे खाने का इंतजार कर रही है, अगर तुम नहीं जाओगी तो वो खाएगी नहीं। ठीक है, चलते हूँ महाराज। मैं शर्म नहीं आती? हाँ तुम बस उसे जाने दो, अपने हाथों को पकड़ो, बेशरम। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहा हूँ? तुमने अपना उसे हाथ पकड़ने क्यों दिया? मैं उसे बहला रही थी। अगर तुमने उसे बता दिया होता कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो बाओ कुन जो कि तुमसे असीम सुख पाना चाहता है। तुम मेरे पति हो? हाँ। खुली आंखों से सपना मत देखो, समझे? बस करो बस करो, मुझे पता है तुम सब मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो। हमें रात को जाना होगा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने कहा कि उस नाव से सेना को नहीं ले जा सकते, तो हमारी तो बात ही मत करिए। महाशय, हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हम ये काम आज रात ही क्यों नहीं करते? राजकुमारी को पकड़ो और निकल जाओ। तुम अकेले? हमें बाओ कुन को की के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। अगर आज रात नाव पर चढ़ना है तो एक ही रास्ता है, बाओ कुन जो चाहता है उसे दे दे। वो जो चाहता है दे दो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चाहते हो कि मालकिन को की जरूरत? डोंगी, तुम मेरा दोस्त हो या नहीं? हमारे पास बस यही उपाय है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बाओकुन के सैनिकों ने सारा घर घेर लिया है, हम कहीं भी नहीं जा सकते। वो लड़कियों में दिलचस्पी रखता है, इसी बात का हमें फायदा उठाना होगा और यहां से निकलना होगा। मैं उससे बात करूंगी। युकाए, जाकर कोई विशेष व्यंजन बनाओ। मैं नहीं जा रहा। भले ही तो मेरा कान तोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। युकाए, अगर हम उसे बेहोश नहीं करेंगे तो हमें वो बैच कैसे मिलेगा? हाँ अंदर आओ। हाँ महामहिम। महामहिम, क्या है? मैं चाहता हूं कि महाराज के पास काफी संपत्ति हो। संपत्ति? तुम यहां से जा सकते हो। ठीक है महामहिम। इस समय कोई खास पैसे नहीं है, ये तो गड़बड़ बात है। महान सुंग में
वो सेनापति सातवें मुकाम पर है, लेकिन अगर आप इसे चेंग येंग को सौंप देते हैं और महान की के प्रति निष्ठा रखते हैं तो आप बहुत ही धनवान बन सकते हैं। तुम विद्रोही के जासूस हो ना? ईमानदारी से कहूं तो मैं महान की का सैन्य अधिकारी हूं। अंजी प्रांत में महाराज बाओ की हार हुई थी। अगर आप सुंग साम्राज्य वापस जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। मैं जानता हूं कि आपको मिस जियांग पसंद है। वो गोरी लड़की महामहिम के लिए एकदम सही जोड़ी है, लेकिन महाराज बाओ उन्हें खुश रखने के लिए उन्नति करके और संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, है ना? आपके पास अवसर है। मैं जिस व्यक्ति को चाहता हूं उसे लेकर जाऊंगा। मिस जियांग केवल एक महिला है, वो वैसे भी तुम्हारी है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मिस जियांग की बहन महान सुंग की राजकुमारी युहुआन। राजकुमारी युहुआन? हाँ। आप उससे क्या चाहते हैं? वो की के महाराज के द्वारा चुनी गई शाही उपपत्नी है। अगर आप बादशाह की मदद करते हैं तो आप बहुत ही अमीर बन जाएंगे। अगर वो राजकुमारी युहान है तो मैं उसे खुद वहां पहुंचा करके अमीर बन सकता हूं, क्यों? सेंट्रल स्पेलिंस महान की के द्वारा शासित किया जाता है। महाराज बाओ, क्या आपको ये नहीं मिला? एक बुद्धिमान व्यक्ति भाग्य को प्रस्तुत करता है। मैंने जो कुछ कहा उस पे थोड़ा विचार करो। जब हम किंगफेंग शहर में थे, अगर आप भी वहां मेरे साथ होती तो फिर ये सब नहीं होता। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ऐसी बात मत करो। जब हम उस दिन पी रहे थे तो आपने कहा था कि मैं अच्छा आदमी हूं। वो तो मैंने बस शराब के नशे में बोल दिया था और तुमने सुन लिया। लेकिन आपने ज्यादा नहीं पिया था, आप नशे में नहीं थी। युकाई, जब मैं 15 साल की थी तब मुझे एक वैश्यालय में बेच दिया गया था। मुझे किसी ने बचाया और मैं उसकी रखेल बनकर रहने लग गई थी। 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। फिर मुझे बेघर कर दिया गया। 20 साल की उम्र में मैंने अपने दिवंगत पति दुकानदार से शादी कर ली। मालकिन, मुझे कुछ नहीं होगा।
इतनी खूबसूरत। मैं हूं। महाशय, वो औरत बावकुन के पास गई है। वो मेहमान से मेजबान बनना चाहते हैं। मेरा भाई खाना बहुत अच्छा बनाता है, मैंने सोचा आपके लिए ले आऊं। आप जरा खाकर बताइए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई इतना अच्छा खाना बनाता है। ऐसा लगता है प्रेम के मामले में आज मेरा भाग्य अच्छा रहेगा। महाराज, मेरे भाई की बात तो बाद में कर सकते हैं ना। लीजिए, पीछे ना। जब तुम सामने हो तो इसकी क्या ही जरूरत है। महाराज, अगर तुम नाराज हो गई तो मेरा आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। महाराज, आप क्या सोचते हैं? तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हें मेरा बैच मिल जाए और नाव पे चढ़ पाओ। महाराज, आपने कहा था ना कि आप मुझे चांदी के जूड़ा पिन देंगे। मेरे पास दूसरा हेयर पिन है, वो चाहिए तो ले लो। इस शराब की प्याली को पीने के बाद मैं आपके साथ जीवन भर अच्छे से रहूंगी। जरूर करूंगा तुम्हारे साथ। क्या महाराज, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अभी तो पूरी रात है, अभी तो हमें बस थोड़े शराब की जरूरत है। ये शादी की रात तो नहीं है, पर हमारे पास याद करने को कुछ बेहतरीन यादें होनी चाहिए, है ना महाराज? लीजिए। पद की उन्नति या फिर सुंदर सुंदर लड़कियां, उसे आखिर क्या चाहिए? आप बताइए, बाव आखिर क्या चुनेगा? मुझे लगता है कि वो ये सब चाहता है। इस समय मुझे जिस चीज की चिंता है वो है शिकारी की। वे आज रात जरूर चले जाएंगे। महारानी, हमें वो बैज मिलने के बाद आप यूकाय और मैल्किन फॉरेन नाव के पास जाइए। संघ सेना आसपास ही होगी, वो बहुत दूर नहीं जाएगी। हम साथ जाएंगे। वो आपके पीछे है महारानी, मैं उनकी सेना को रोक के रखूंगा। और तुम्हारा क्या? मिस चियांग के साथ एक बावर्ची है और एक शिकारी भी, और वो लड़की सुंग की महान राजकुमारी है, और तुम मुझे बार बार शराब पिलाने की कोशिश कर रही हो। क्या वजह है कि तुम इतना जोर डाल रही हो? कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? बोलती क्यों नहीं? मैं राजकुमारी को लेके जाऊंगा, साथ ही तुम्हारा शरीर भी मेरे साथ। चलोती के पास बहुत पैसा और सुकून मिलेगा तुम्हें। मुझे यकीन नहीं होता। अब तो देर हो चुकी है। वो अपना काम करने जा रहे हैं। महारानी, लग रहा है सिर्फ मैं अपना रास्ता निकाल पाऊंगा। मुझे जाने दो। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? बावकुन! तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, पकड़ो। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फैंचिंग, सुनो, इन गद्दारों को गिरफ्तार करो। आ,
मिलेगा नहीं तुम्हें। मेरी योजना बर्बाद हो गई। युकाय, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बहज, तुम क्या ढूंढ रही हो? ये मिल गया। निराश सैनिकों और हारे हुए सेनापति और एक चिंदी अधिकारी, तुम्हारी महान की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? ई सैनिकों सुनो, राजकुमारी को जीवित पकड़ो। हमला। महारानी को लौट निकल जाओ, लिंगेंदु पर नाव सवार है, मैं उन्हें रोक के रखूंगा। चलो चलो, राजकुमारी के पीछे जाओ। महारानी, डेमिंग प्रांत के सम्राट लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया हमारे साथ आइए। आप इन्हें कुछ मत कीजिए, मैं आपके साथ चल रही हूँ। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकती है। रुकिए, जाने दो मुझे। आपको नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं, समझ गए आप? अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो तुम्हें मुझे मारना होगा। लड़ो मुझसे। महारानी को नाव पर चढ़ाने के लिए किनारे पर ले जाओ। मालकिन, उसे लेकर निकलो। चलो साथ चलते हैं। युकाय! मालकिन, संभल कर। मैं नहीं मरूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। युकाय, रुक जाओ। Oh!
खान संघ के सारे सैनिक कायर नहीं है, ये बात याद रखना। सोचो कि वो ढेर है और उसे काट दो। राजकुमारी नमस्ते। मोहतरमा जियांग, मिस्टर डोंग, कृपया उठ जाओ। शुक्रिया राजकुमारी। आपको समारोह में खड़े रहने की जरूरत नहीं। क्या हमें सच में समारोह में आना चाहिए? मालकिन। जनरल डोंग शुक्रिया, राजकुमारी को बचाने के लिए हमने जांच की है डोंगपिंग प्रांत में क्या हुआ। डोंग ही शाही फरमान को स्वीकार कीजिए, ये महामहिम का निर्देश है। डोंग ही सैनिकों के सेनापति होंगे, सैन्य वस्त्रों को ग्रहण करें और सदैव सेवा का वादा करें। धन्यवाद महामहिम, मैं ऐसा जरूर करूंगा डोंग। मैं लियान में खुशखबरी का इंतजार करूंगी। जरूर महारानी। मालकिन, अब तुम क्या करने वाली हो? मेरे पास क्या योजना हो सकती है, मैं बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। एक नई दुकान खोलना कैसा रहेगा? बात है, बहुत बढ़िया। चलो अंदर चलो, देखते हैं क्या दुकान है। हाँ सभी लोग आइए, बहुत बढ़िया। आप भी आइए, चलो अंदर चल के देखते हैं। मंदिर 最怕来世再记不住你的脸，微弱的残阳还能刺痛双眼，山的那一边会不会是再续的成全，思念无声，用心就一定听见。 मालकिन, उस लकड़ी का इस्तेमाल मत कीजिए। जी थक छे से थों छे मानिए मेयो नोये सिंह छे इजी ज़ाई शन बिए लुशिन। हालांकि ये खतरनाक है, फिर भी मैं आपकी रक्षा करूंगा। मालकिन,
आपको रसोई चाहिए? सितारा शेन ज़ाइकेंग ने लगातार 9 शानदार जीत हासिल की है। आज रात के अंतिम खेल में ज़ाइकेंग शायद जाने माने खिलाड़ी जैक के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ज़ाइकेंग अब तक के मैच जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। जी, चाहे जो हो जाए मैं उसका हौसला बढ़ाऊंगी। ओके बाय। तुम तैयार हो? तुम्हें तैयार होना चाहिए। टेंशन मत लो, मैं ही जीतूंगा। बासु, तुम जानते हो ना वो किसके लिए चेयर कर रहे हैं? मेरे लिए बिल्कुल, और क्या। चेयरिंग सिर्फ जीतने वाले के लिए होती है। हमारे समझौते के अनुसार अगर तुम जीते तो तुम्हें 1 मिलियन आरएमबी बोनस मिलेगा। जाओ और जाकर मजे करो। ठीक हो? ज़ाइकेंग अभी तक कोशिश कर रहे हैं, पर वो अच्छे अवसर की तलाश में है। एक और पंच। जैक का पंचिंग स्पीड बहुत ही तेज और मजबूत है। वो उसे मारने के लिए ज़ाइकेंग की ही तरकीब का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ाइकेंग ने सामना किया, उसे 1 पॉइंट की बढ़त मिल गई। टिफिन भाई, चलते रहो। और इस प्रकार ज़ाइकेंग हार गए और नए चैंपियन हैं जैक।
कुंग-फू का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से इसका मतलब है ताकतवर होना, और इस बात का एहसास मुझे आखिरी क्षणों में हुआ। पिछली बार जब तुम आए थे तब तुम छोटे बच्चे थे, अब तुम बड़े हो गए हो। यही वक्त है तुम्हारे चाचा से मिलने का। वो एक विख्यात ऑर्थोपेडिस्ट है। पहले अपना हाथ ठीक करवा लो, फिर सब कुछ ठीक होने लगेगा। शायद कुछ ऐसा हो जिससे तुम चौंक जाओ। Excuse me, आप बताएंगे गो क्लिनिक कहाँ है? गो का क्लिनिक? जी, सीधे चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। Excuse me, ये मिस्टर गो का क्लिनिक है ना? हाँ। एक मिनट, तुम्हें डॉक्टर से मिलना है? नहीं, मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना है, मुझे अपने अंकल से मिलना है, मिस्टर गु जैन। अंकल? चलो पीछे आओ मेरे। परेशान ना हो। अब दर्द नहीं होता मास्टर गु। हो गया। एक मिनट रुको, मास्टर पेशेंट देख रहे हैं। हाँ। मैं फू को तुम्हारी दवाइयाँ बनवाने के लिए बोल देता हूँ। अच्छा, याद से दिन में दो बार लेना, तुम्हें हफ्ते भर में ठीक होना है। समझे? थैंक यू मास्टर गु। द मास्टर, मरीज को अपने घर छोड़ दो। जी, आइए आराम से, आराम से आइए। चलिए। तुम यहाँ? माँ ने यहाँ आने के लिए कहा था। तुम जायकेंग हो? जी। यहाँ बैठो। तुम यहाँ रह सकते हो काम करते हुए। काम? लेकिन कैसे? हाँ, एक सहायक की तरह इनकी मदद करो। सिलान? हाँ आई।
सिलन 10 ग्राम कार्थामस टिंक्टोरियस एंजेलिका सिनेसिस 25 ग्राम 15 ग्राम लिग्नम मिलेटिए सबका पाउडर बना के 20 पैकेट में भर दो और याद रखना कि सुबह शाम एक एक पैकेट लेना है। अब जाओ ना। हाँ। आज से ही शुरू करते हैं। पहले तुम्हारे शरीर पर ध्यान देते हैं। याद रखना सारी दवाई सही समय पर लेना। आ जाइए। आज से तुम ये रूम मेरे साथ शेयर करोगे। तुम्हारा बेड लेफ्ट में है। एक बात और, मेरा नाम डा है और ये है फू। हे जाइकेंग, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? रिंग में चोट लगी थी मुझे। क्या बात है, क्या बात है यार, तुम एक बॉक्सर हो। मुझे भी बॉक्सिंग बहुत पसंद थी। ए, देखो अपने आप को, तुम बहुत ही पतले हो। तुम्हारे पंच मारने से पहले हवा ही तुम्हें नीचे गिरा देगी। अगर तुम स्ट्रांग हो तो कोई तुम्हें नहीं गिराएगा, लेकिन एक बात और है, अगर पंच लग गया तो खड़े भी नहीं हो पाओगे। मैंने ये थोड़ा कहा कि मुझे बॉक्सिंग करनी है। ऐसे एटीट्यूड की बात कर रहे हो। तुम लोग मुझे थोड़ा रेस्ट करने दोगे प्लीज? सॉरी, तुम बेकार हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कैंग, खाने का वक्त हो गया। मुझे भूख नहीं है। समझ रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पसंद का कॉन्गी बनाया। कहाँ ना भूख नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट गई है, इसलिए तुम फाइट नहीं कर सकते। क्या कह रही हो तुम? ये मतलब अब से बॉक्सिंग बंद। उसके बगैर मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या कहा तुमने? कृपया विल दीजिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज के बारे में मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 4 के अनुसार अगर शेन जाइकेन एमएमए मैच हार जाता है तो उसे सू कंपनी को नुकसान भरपाई देनी होगी, उसके प्रमोशन और प्रशिक्षण के लिए 1 मिलियन RMB। बॉस सुनिए, मुझे कुछ नहीं बताया था कि हारने पे ये सब करना होगा। हेलो, जोंगी एजुकेशन से बात कर रहे हैं? अभी भी वहाँ हायरिंग चल रही है क्या? माफ करना, हमें कोई सेल्स में काम करने वाला चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, अगर तुमने वक्त के पहले पैसे नहीं भरे तो भुगतान 3 गुना ज्यादा होगा, मतलब 3 मिलियन RMB। ये तो तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। जाइकेंग, ऐसा लग रहा है कि तुम पैसे नहीं दे सकते। मेरे साथ मजाक मत करो, इतना पैसा मैं कैसे दे पाऊंगा तुमको? एक बात और है, तुम्हारे पास 12 बजे तक वक्त है, ये तुम्हारी फाइनल डेडलाइन है। तुम्हारे पास 1 घंटा बाकी है, उसके बाद नुकसान की भरपाई 3 गुना हो जाएगी, फिर ये कॉन्जी बार तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारी कोई और जमीन है क्या? शायद तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। कैंग, कैंग, तुमने इसे क्यों मारा? बकवास। गिरवी रखने के लिए कुछ तैयार रखना। इसे थोड़े ही दिन हुए यहां आए, मगर ये बहुत कम बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको काफी तगड़ा झटका लगा है। झटका किसकी वजह से? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो ये झटका है ना, ये लगता है दो कारणों से। तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हें कुछ काम दूँ? चल 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 चल।
सुनो तुम अंदर आ जाओ। तुम ठीक हो जाओगी माँ। हेफू जी, उन्हें घर ले जाओ। आया। चलिए दादी माँ। हाँ संभल के। आराम से। चलिए। ध्यान रखना फू। आराम से। चलिए धीरे से लेकर जाऊंगा। आपको दवाइयां समय पर लेनी चाहिए, ठीक है? लगता है काफी थक गए हो तुम, ये लो। आराम से पियो, आराम से। हाँ। हे, एक बात पूछनी है। मेरे अंकल सभी मरीजों को तुम्हारी पीठ पे क्यों भेजते हैं? वो क्योंकि हमारा क्लिनिक अलग अलग फ्रैक्चर्स के इलाज में माहिर है। ये जो लोग आते हैं वो बुजुर्ग या टूटे पैरों वाले आते हैं। शहर के रास्ते पत्थर के बने हैं तो वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती ना, इसीलिए हम उन्हें कंधे पर उठाते हैं। तुमको तो काफी पसीना आ रहा है, काफी थकान हो जाती होगी ना? मुझे इस सब की आदत हो गई है। पीक टाइम के दौरान मैं सुबह से शाम तक ऐसे दौड़ता हूँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ 2 साल से हूँ। हेफू आया। मास्टर इस मरीज को ले जाओ। जी मास्टर। चलिए। हाँ, आराम से। थैंक यू, थैंक यू मास्टर गु। हाँ, जरा संभल के जाना। कितने आलसी हो तुम, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो ना। नाटक करना बंद कर दो ना। मुझसे बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है और किससे? देखो, जो हुआ उसके लिए माफी मांग चुका हूँ। मुझसे ऐसे बात करना ठीक नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ क्यों कुछ करूँ? माफ कर देना। शेन ज़ाइकेन, तुमने जानबूझकर किया। तुम्हें जो सोचना है सोचो,